Hey people, good morning. How are you? I hope you're doing well. So am I. Let's start our today's lecture. And before starting that, please subscribe to this for more regular content. Thank you. Now we come to the part of ancient history of ग्रीडी. तो यहाँ पे ग्रीडी का एंशेंट हिस्ट्री है. सो इन एंशेंट टाइम ग्रीडी वॉज सराउंडेड विथ हाई एंड इन एक्सेसिबल हिल्स. तो जो ग्रीडी था वो हील्स और पेड़ से घिरा हुआ था. इट इज सेड दैट द ट्राइबल्स ऑफ द लैंड यूज टू स्टे इन द हील्स एरिया कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड रिवर्स. तो जो यहाँ के आदिवासी थे वो जहाँ पे रहते थे वो बड़े बड़े पेड़ माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ था और रिवर से. द ट्राइब ऑफ द रीजन्स वेर नॉन आर्यन, वो नॉन आर्यन नहीं थे एंड यूज टू स्टे पीसफुली देयर. हाउएवर देयर वॉज नो किंग, और उनका कोई राजा भी नहीं था क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ड्यू टू द थ्रेट एंड बट रा हाउ अचानक से उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें एक राजा चाहिए. कि ड्यू टू द थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कल्चरल एंड एविडेंसेस एंड मैनुस्क्रिप्ट्स टेल दैट द पीपल ऑफ देम ग्रीडी चूज मुंडास. मुंडास को उन्होंने अपना राजा बनाया. द स्टेप वॉज टेकन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन एंड स्टॉप द फॉरन इन्वेडर्स एंड इंट्रूडर्स इन दिस रीजन. क्योंकि वो इसलिए बनाए थे कि वो रोक सके फॉरेन इन्वेजन को. द रीजन विच वॉज हैज़ द पारसनाथ हिल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिलीजियस सेंटर ऑफ द कंट्री. तो पारसनाथ हिल जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ ने जो 23 तीर्थंकर है उन्होंने सेल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति ली थी. इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स एगो द प्लेस इज ऑल्सो नोन एज समद शिखर. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, समद शिखर और समद शिखर. सो पारसनाथ हिल इज ऑल्सो नोन एज, सो इट वेल नो समद शिखर एंड समद शिखर इट इज एन ऑप्शन. देन यू मे चूज दिस ऑप्शन, द पीक ऑफ कंसेंट्रेशन. और क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत मिलता था. बिकॉज 20 out of 24 तीर्थांकर अटेंड निर्वाणा थ्रू समाधि और मेडिटेटिव कंसेंट्रेशन एट दिस लोकेशन. टोंग्स इन शिखर जी कंटेन्स फुटप्रिंट्स ऑफ 24 तीर्थांकर एंड 10 गंधारा हु विजिटेड द हिल. सो यहाँ पे जो टोंक है वो शिखर जी का, वहाँ पे फुटप्रिंट्स पाया जाता है जो 24 तीर्थांकर थे और 10 गंधार जो यहाँ पे आए हुए थे उनका मिलता है. नाउ ग्रीडी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ग्रीडी वॉज इंट्रोड्यूस टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ड्यूरिंग द राइज ऑफ मुगल्स एम्पायर. इन 1556 AD द ग्रेट एम्परर अकबर सक्सीडेड टू द थ्रोन, देन ही कंकर्ड द रीजन ऑफ झारखंड. 1556 के बाद जब अकबर अपना राजगद्दी पे बैठा, सो ही सक्सीडेड एंड ही कैप्चर्ड द एरिया ऑफ झारखंड. ग्रीडी दैट केम अंडर खुखड़ा, जो झारखंड को खुखड़ा रीजन बोला जाता था, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर. ग्रीडी अंडर ब्रिटिश रूल, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रेंथन इट्स ग्रिप इन इंडिया. जैसे ही मुगल एम्पायर खत्म हुआ, जब पहले अर्ली मुगल्स थे उसके बाद लेटर मुगल्स के खत्म हो जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इधर अपना ग्रिप बैठाने लगा और अपना शासन स्टार्ट कर दिया. द फ्यूचर ऑफ इंडिया वॉज री रिटेन बाई द इम न्यू इम्पेरियल रूलर्स एंड द सन वॉज फ्रीडम वॉज ऑन द एज ऑफ सेटिंग डाउन. सो यह क्लियरली मेंशन है, कितना अच्छा लाइन बोला गया, द सन ऑफ फ्रीडम वॉज ऑन द एज ऑफ सेटिंग डाउन. सो उन लोग का आज़ादी अब धीरे धीरे खत्म होने वाला था. मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रीजन वॉज हजारीबाग. द एरिया बिकेम अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एजेंसी अंडर द रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द पावर वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द क्रोन. द रीजन हैज़ बीन इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इज द एविडेंट फॉर द प्रो फैक्ट दैट द रेलवे ट्रैक्स इन 1871 इन ऑर्डर टू रीच अप टू द मिनरल हार्टलैंड इन द सिटी. ये द हेडक्वार्टर ऑफ दिस रीजन वॉज हजारीबाग. हजारीबाग को हेडक्वार्टर उन्होंने ब्रिटिश ने बनाया था. द एरिया बिकम अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एजेंसी की, जो छोटा नागपुर एजेंसी के पार्ट में आता था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो जो पावर क्रोन से था, जो आफ्टर 1858 जब क्रोन यहाँ पे राज करने लगे थे, क्रोन पावर, तब द रीजन हैज़ बीन इकोनॉमिकली बिगफिशल. ये रीज़न इकोनॉमी बेनिफिशियल था ब्रिटिश, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने रेलवे लाइन बिछाया हुआ था जिसके कारण उन्होंने शायद इकोनॉमिक बेनिफिशियल होगा ड्यू टू द मिनरल हट. नाउ फॉर द हिस्टोरिकल एंड डिवोशनल प्लेसेस इन गिरिडीह. द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटी कैन बी अंडरस्टूड बाई द पारसनाथ श्राइन विच इज कंसिडर्ड एज मस्ट विजिट पिलिग्रिम ऑफ जैनिज. सो यहाँ पे पारसनाथ जो हिल है उस पे
हम बहुत सारे जैन का पिलग्रिम साइट तीर्थ स्थल है। अपार्ट फ्रॉम पारसनाथ टेम्पल, मधुवन इज अनदर एरिया विच हैज़ मेनी टेम्पल्स एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट जैन पिलग्रिम। सो पार्ट ऑफ पारसनाथ के अलावा यहाँ पे मधुवन भी है, जहाँ जहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर डिवोशनल प्लेसेज लाइक झारखंडी धाम, हरियर धाम, लंगटा बाबा समाधि स्थल, दुखिया महादेव टेम्पल, श्री कबीर ज्ञान मंदिर एक्सेट्रा। टुडे गिरिडीह इज वन ऑफ द इमर्जिंग सिटी फॉर बिजनेस एंड कॉमर्स। द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड गिरिडीह एज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल टूरिस्ट सेंटर इन झारखंड। द रैपिड गो अर्बन डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन हैज़ मेड द सिटी इज़ वन ऑफ द मेजर सिटी इन द झारखंड स्टेट। सो इसका अर्बन डेवलपमेंट और मॉडर्नाइज करते हुए इसको झारखंड का मेजर सिटी बनाया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Today is now we'll talk about the general characteristic of the district Giridih. So wait a minute, I will switch the pen. Okay. So now Giridih district and administrative district of Jharkhand had its headquarter at Giridih. So Giridih ka headquarter bhi Giridih mein hai. It was carved out from Hazari Bagh district on 4 December 1972 ko Hazaribagh se alag hua tha. The main district lies between 24 degree 11 minute northern latitude to 86 degree 20 minute east longitude, lying almost in the central path of North Chota Nagpur division. The district is bounded by Jamoi district and a part of Nawada district of Bihar in the north, by the district of Devgad and Jamtara on the east, by Dhanbad and Bokaro on the south of Hazaribagh and Kodarma on the west. So the district is spread over 4853 square kilometer. So Giridih में एक famous पारसनाथ हिल है, जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ ने तीर्थंकर जो थे जैन के 23वें, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया था। So the famous पारसनाथ हिल is situated here with its highest peak of Jharkhand having altitude of 4431 जो कि है 1365 meter and 4431 feet above the sea level. And the famous Grand Trunk Road also passes from this district. History of Giridih is a part of the history of parent district of Hazaribagh as well, as also the Chota Nagpur Plateau. तो जब ये गिरिडीह का हिस्ट्री बहुत पुराना रहा है, क्योंकि पहले पार्ट हुआ करता था हजारीबाग का. So after the Indian independence on 4 December 1972, it got separated from Hazaribagh to form a new district called Giridih. The entire territory of Chota Nagpur known as was believed to be covered with inaccessible hills and forests. तो पूरा छोटा नागपुर बोला जाता है कि hills and forests से कवर हुआ करता था. So मैंने अभी geographical location बता ही दिया. नवादा district from the Bihar in the north से घिरा हुआ है, देवघर in Jamtara in the east. Now we come for the administrative setup. And yes, the forest cover an area of 1,59,160 hectare, which was done a survey on 2010-11, which is covered with mostly sal and bamboo tree. Mainly trees are found, the sal and the bamboo. Administrative setup. Garhwa, a Giridih town, is the division headquarter of Giridih itself. For most administrative purpose, the district had been divided into one subdivision and 13 number of block. So the one subdivision is Giridih Sadar, and the blocks are Gawan, Tisri, Devdi, जमुना, धनवार, बेमी, सूर्या, बगोदर, दुर्मी, पितांड, गंदेदी, बेगनाबाद एंड गिरिडीह. दे आर 350 नंबर ऑफ ग्राम पंचायत एंड 2763 नंबर ऑफ विलेजेस जो रेवेन्यू देते हैं. आउट 2552 नंबर्स आर इनहेबिटेड एंड 211 विलेजेस आर इनहेबिटेड. सो यू कैन सी द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. नाउ